तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी उस्ताद 2.0 में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4th T20 के दोस्तों बारे में। गाइस असली प्रेडिक्शन क्या होता है दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। क्योंकि गाइज LCD लगा के और आधा आधा घंटे का वीडियो बनाकर दोस्तों पब्लिक को सिर्फ चूतिया बनाया जाता है। और दोस्तों यहां पे 10,000-20,000 रुपए जीतकर और गाइज पुराने स्क्रीनशॉट दिखाकर दोस्तों पब्लिक को लूटा जाता है। तो दोस्तों असली प्रेडिक्शन क्या होती है आपको इस वीडियो को देखकर पता चल जाएगा। दोस्तों रिसेंटली फॉर्म, सबसे पहले आपको देखना है प्लेयर की रिसेंटली फॉर्म। दोस्तों ट्रम्प का प्लेयर गाइस, बेसिकली ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, एक रूल याद रखना है। दोस्तों ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको अपनी टीम में 7 प्लेयर ऐसे चुनना होता है दोस्तों जो कि आपकी रैंक को मेंटेन रखें। और दोस्तों 4 प्लेयर आपको अपनी टीम में कुछ ऐसे रखने होते हैं जो कि दोस्तों टीम आपकी रैंक को दोस्तों आपकी टीम को आगे लेके जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे ग्रैंड लीग की दोस्तों कैसे आपको टीमें बनाना है, कैसे दोस्तों आपको स्मॉल लीग की टीमें बनाना है, कौन कौन से दोस्तों वो प्लेयर हैं जो कि इस मैच में चलने वाले हैं, कौन कौन से फ्लॉप प्लेयर हैं। सो गाइज अभी तक का हमने जो प्रेडिक्शन किया है बिल्कुल हमारा एक्यूरेट गया है गाइस। जो आज भी हम जो प्रेडिक्शन करेंगे वो भी हमारा बिल्कुल एक्यूरेट जाने की 99% चांस है। सो गाइस वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो गाइस मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी दबा देना, क्योंकि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाएँ वो दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुँचें। तो भाई लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि पिच का बिहेवियर कैसा है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वो फ्लॉप प्लेयर कौन से जिनको आपको ड्रॉप करना है, वो दोस्तों ट्रंप प्लेयर कौन से हैं जिनको आपको लेना है, कैसे आपकी ग्रैंड लीग की स्मॉल लीग की टीमें आपको क्रिएट करना है। तो वीडियो को दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि गाइज अगर आपने बिल्कुल थोड़ा सा भी दोस्तों वीडियो को स्किप किया तो गाइज फिर आप कुछ भी अगर छूट जाता है दोस्तों तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे वेन्यू स्टेट्स की और प्लेयर्स की रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो गाइस यहाँ पे वेन्यू स्टेट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर में दोस्तों ये मैच खेला जाएगा। पिच का बिहेवियर गाइस यहाँ पे NA लिखा है, मतलब नॉट अवेलेबल। लेकिन दोस्तों मैंने कुछ वेबसाइट्स की मदद से देखा तो गाइस यहाँ की जो पिच है ना वो बैलेंस पिच है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बैटर्स को और बॉलर्स को दोनों को ही मदद मिलती है। गाइस अगर यहाँ पे कोई भी बैटर फालतू के उल्टे सीधे दोस्तों शॉट ट्राई करता है पावर प्ले में दोस्तों विकेट गिरने के चांसेस हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी बैट्समैन यहाँ पे थोड़ा टक्कर खेलता है, जैसे कि दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ हो गया और अपने यहाँ पे सूर्य कुमार यादव हो गया, स्टीवन स्मिथ, दोस्तों ये दोस्तों जो प्लेयर्स हैं ये अच्छा यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। सो गाइस आप यहाँ पे देखो रिसेंटली रिकॉर्ड की अगर बात करूँ 135 का यहाँ पे एवरेज स्कोर है दोस्तों, जो कि T20 के हिसाब से बहुत ही कम है। टोटल विकेट फॉल की बात करूँ तो इस ग्राउंड पर दोस्तों 53 विकेट गिर चुके हैं लास्ट 5 T20 आईज में, जिसमें दोस्तों पेसर्स ने 25 विकेट निकाले हैं और स्पिनर्स ने 28 विकेट निकाले हैं। तो गाइज मैं कहूँगा कि स्पिनर्स को विकेट मिलेंगे, तो दोस्तों स्पिनर्स को तो विकेट मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन गाइज हम ये नहीं कह सकते कि पेसर विकेट नहीं निकालेगा। दोस्तों डेथ ओवर में यहाँ पे विकेट गिरने वाले हैं डेथ ओवर में। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेयर हैं दोस्तों जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यहाँ पे डेथ ओवर करने वाले हैं। तो गाइज रिसेंटली फॉर्म आप यहाँ पे देख लीजिए इनकी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। गाइज ऑस्ट्रेलिया ने अपने रिसेंटली 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं। गाइज इंडिया ने अपने लास्ट के 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीते हैं, एक मुकाबला दोस्तों हार गई थी इंडिया लास्ट मैच, और एक मुकाबला दोस्तों इनका नो रिजल्ट रहा था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमने ये बात कर ली दोस्तों हेड टू हेड स्कोर, अगर आपको मैं बता दूँ रिसेंटली दोस्तों 5 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल में गाइज यहाँ पे 14 मैच खेले हैं दोनों ही की टीम में, दोनों ही टीम के आमने सामने दोस्तों। इंडिया ने दोस्तों 7 मैच जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों 6 मैच जीते हैं, एक मैच इनका नो रिजल्ट रहा है। तो गाइज यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इंडिया का पटला थोड़ा सा यहाँ पे भारी दिख रहा है। गाइज अब बात कर लेते हैं रिसेंटली मैचेस की। गाइज देखो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लेयर की रिसेंटली फॉर्म कैसी है, पिच का बिहेवियर कैसा है, रिसेंटली मैच दोनों टीमों के दोस्तों हेड टू हेड के कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेयर दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए, इंडिया बीट बाय ऑस्ट्रेलिया बीट बाय इंडिया 5 विकेट, इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया 44 रन, इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विकेट दोस्तों एक बार सिर्फ दोस्तों 2 बार ऐसा हुआ है कि 8 विकेट और 9 विकेट गिरे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा विकेट फिर से गिरने वाले नहीं है, 4-4 विकेट ज़्यादा से ज़्यादा हम मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो 4-4 विकेट दोनों ही टीम से आपको गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख लो ये आ गया हमारा ड्रीम इलेवन, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे कि आपको वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको आपको अपनी टीम में नहीं रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले बॉलिंग करती है तो आप यहाँ पे ईशान किशन को आँख बंद करके इनको ड्रॉप कर देना, ठीक है।
दूसरा प्लेयर मैं आपको यहाँ से बता दूँ दोस्तों, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है ना, तो आपको यहाँ से ईशान किशन को ड्रॉप करना है गाइस। यशस्वी जायसवाल को आप ले सकते हो, ऋतुराज गायकवाड़ को आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से ईशान किशन को दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखना मेरी बात, ईशान किशन को कहीं आपको यहाँ से ड्रॉप करना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी टीम में पिक कर लेना, ठीक है। यहाँ से आप यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को दोस्तों पिक कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सूर्य कुमार यादव, इनको भी आप अपनी टीम में जरूर रखना, ठीक है। यहाँ से उसके बाद गाइस मैं आ जाता हूँ दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में। दोस्तों यहाँ से आपको अक्षय पटेल को ड्रॉप करना है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ से अगर बसंगम सुंदर खेलते हैं तो उनको आप पिक कर लेना, अदरवाइज शिवम दुबे के साथ जा सकते हो आप, ठीक है। अगर ये खेलते हैं तो, नहीं तो अक्षय पटेल को तो आप बिल्कुल भी मत लेना, आपको ड्रॉप यहाँ पे करना है। तो दोस्तों फ्लॉप प्लेयर की, इंडिया के फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट में आपको सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पे दोस्तों आपको ईशान किशन को ड्रॉप करना है, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ से रिंकू सिंह को और तिलक वर्मा को ड्रॉप करना है, ठीक है। आप चाहे अपनी स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो, चाहे आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, ठीक है। यहाँ से आपको अक्षय पटेल को ड्रॉप करना है और यहाँ से दोस्तों आपको प्रसिद्ध कृष्णा को ड्रॉप करना है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों ये फ्लॉप प्लेयर है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आप आवेश खान को ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने ये जो प्लेयर बताए हैं, ये सब दोस्तों आपको ड्रॉप करना है इंडिया की तरफ से, ठीक है। ग्रैंड लीग में दोस्तों एक आध टीम आप इनके साथ ले जाके बना सकते हो एज अ ट्रम्प प्लेयर, बट गाइज आप इनको यहाँ से फिलहाल के लिए ड्रॉप करिए, ठीक है। अगर आपने स्मॉल लीग को मिनी ग्रैंड लीग की टीम बनाए तो आप इनको ड्रॉप करिए, स्मॉल लीग की टीम बता रहा हूँ मैं। इन प्लेयर्स को आपको स्मॉल लीग की और मिनी ग्रैंड लीग की टीम में इनको नहीं रखना है, ठीक है। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैं बात कर लेता हूँ कि आपको दोस्तों किनको रखना है किनको नहीं रखना है। तो गाइस सबसे पहले आप फ्लॉप प्लेयर देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के, फ्लॉप प्लेयर दोस्तों मैं यहाँ से बता दूँ आपको, तनवीर सांगा, इनको आपको स्मॉल लीग में नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों केन रिचर्डसन, नाथन एलिस को आप रख लेना, बेन रोट को भी रखना, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ से आप एरन हार्डी को छोड़ देना, ठीक है, एरन हार्डी को आप ड्रॉप कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको टिम डेविड को ड्रॉप करना है और गाइज यहाँ से आपको मैथ्यू वेट को ड्रॉप करना है, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे दोस्तों एक प्लेयर मिसिंग दिख रहा है मुझे, ठीक है। जो सिंगली दोस्तों यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे हैं, मुझे लग रहा है अनअवेलेबल हो गए हैं दोस्तों इस मैच के लिए, ठीक है। तो गाइज आप यहाँ से अगर अनअवेलेबल है तो दोस्तों जोस फिलिप्स को आप रख लेना, ठीक है, मैथ्यू वेट को ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो गाइज ऑस्ट्रेलिया के इन चार प्लेयरों को आपको नहीं रखना है, चार प्लेयर दोस्तों जो है फ्लॉप प्लेयर है। अब गाइज स्मॉल लीग की टीम में आपको देख लो क्या करना है क्या नहीं करना है। स्मॉल लीग की टीम में दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ से लेना है दो ऑलराउंडर, आप मैथ्यू शॉर्ट को या बसंगन सुंदर को यहाँ से पिक कर सकते हो। उसके बाद गाइज बॉलिंग सेक्शन में से आपको हर्षदीप सिंह, केन रिचर्डसन, नाथन एलिस, रवि बिश्नोई और जोसन ब्रांडॉप को दोस्तों पिक करके चलना है। उसके बाद दोस्तों तीन आपको यहाँ से बल्लेबाज लेना है, तो यहाँ दोस्तों सूर्य कुमार यादव, टेबल हेड दोस्तों और ऋतुराज गायकवाड़ को आप ड्रॉप कर दीजिएगा। यहाँ से यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन को छोड़ के यहाँ से आप जोस फिलिप्स को पिक कर लीजिएगा। तो गाइस आपकी जो है एक इस प्रकार से एक टीम बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूँ तो इनको कैप्टन बना सकते हो, ठीक है, इनको आप वाइस कैप्टन बना सकते हो। यहाँ से दोस्तों आप इनको एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो। यहाँ से गाइस आप रवि बिश्नोई को एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन रख सकते हो। यहाँ से दोस्तों आप जोस फिलिप्स को और यशस्वी जायसवाल को भी एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक कर सकते हो। तो गाइस ये जो है मैंने आपको टीम बताई है दोस्तों हमारी स्मॉल लीग की टीम है। अब दोस्तों आपको मैं ग्रैंड लीग की टीम बनाना बताता हूँ। दोस्तों ग्रैंड लीग में आपको सिंपल सा करना क्या है, सिंपल सा दोस्तों जो भी टीम यहाँ पे अगर बॉलिंग करती है आपको उसी की फेवर में यहाँ पे पहले टीम बनाना। तो मान लीजिए सपोज अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम दोस्तों यहाँ पे पहले बॉलिंग करती है तो दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया के फेवर में यहाँ पे टीम बनाना है। तो गाइस आपको यहाँ से ट्रेविस हेड को लेना है, ठीक है, और दोस्तों आपको यहाँ से ईशान किशन को छोड़ देना है, मैथ्यू वेट को, जोस फिलिप्स को पिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ में से किसी एक ओपनर को ले लेना है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं 7-4 का एक मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया है। आप यहाँ पे देखिए मैंने दो प्लेयर यहाँ पे इंडिया के लिए हैं और दोस्तों यहाँ पर भी मैंने दो प्लेयर इंडिया के लिए हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा 7-4 का कॉम्बिनेशन बन चुका है दोस्तों, 7-4 का कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है। आप दोस्तों पिछले 10 मैच उठाकर देख लो, आप गाइस पिछले 10 मैच उठाकर देख लीजिए, आपको इसी प्रकार से जो कॉम्बिनेशन बने हुए होंगे दोस्तों वही आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेंगे। और दोस्तों उसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे आप इनको एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन कम से कम 3-4 टीमों में दोस्तों ट्राई करिएगा, ठीक है, ग्रैंड लीग की टीमों में। और दोस्तों सेम टू सेम अगर इंडिया की टीम यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करती है दोस्तों, सॉरी इंडिया की टीम दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बॉलिंग करती है, तो आपको इंडिया के फेवर में यहाँ पे टीम अपनी बना लेना है। दोस्तों आप यहाँ पे ट्रेविस हेड को पिक करना, यहाँ से गाइस आप फिलिप्स और मैथ्यू वेट को छोड़ के यहाँ से ईशान किशन और दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप यशस्वी जायसवाल को पक्की पिक कर लीजिएगा। तो गाइस आपकी जो है इस प्रकार से एक टीम नज़र आने लगेगी। तो गाइस आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से दोस्तों आपको एक बॉलर को भी हटाना पड़ेगा। आप दोस्तों एक टॉप ऑर्डर का बॉलर जो कि जेसन बहेंड्रा या फिर दोस्तों केन रिचर्डसन हो सकता है, आप इनको हटा के यहाँ से दोस्तों आवेश खान को और
जेसन बहनड्रॉप को या फिर किसी एक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को पिक कर लेना, क्योंकि दोस्तों विकेट गिरेंगे, ठीक है, विकेट 100% गिरेंगे। गाइस अगर ये लोग रन मार गए शुरू में, बाद में इन लोगों ने विकेट ले लिए इन लोगों ने, तो गाइस फिर आपकी टीम जो बहुत अच्छा रैंक करेगी। और दोस्तों यहाँ पे तो ये लोग कुछ ना कुछ आपको पॉइंट दे ही जाएंगे, यहाँ से दोस्तों ये लोग भी पॉइंट देंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो गाइस क्या होगा कि आपकी दो टीमें मैंने आपको ग्रैंड लीग की बता दी है। भाई लोग अगर आप लोगों को ग्रैंड लीग जीतना है तो गाइस सबसे पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम पर ही आपको जो है सब कुछ मिलने वाला है।